क्या बताए श्याम, मौगी हमको लाने नहीं देती है श्याम। दया करें साहेब। हाँ बताओ क्या बात है। हम बकरी खेते में चल गए बाबू साहब के, ये लोग हमार बकरी ले जाके ओके काट के खा गई ना, हम मंगली से मर गए साहब। कौन बाबू साहब, क्या नाम है? शेर सिंह नाम है साहब। किस गांव के हैं? हमारे गांव के बगल में है सर। तब कुछ बताओ, कोई देखा है तुमको मारते हुए? हमार बच्चा छोड़ के चरावत रहा साहब। अच्छा ठीक है, हम उनको बुलवा रहे हैं अभी। कहाँ गए कालू राम को, मैं अभी भेज रहा हूँ। हटो, कौन हो जी? साहेब हम पग्गू राम साहेब। पग्गू राम कौन? साहेब हमको जेल में डाले साहेब। काहे, क्या हुआ है? हम बहुत परेशानी साहेब। अरे का हुआ है कुछ बताओगे साहेब? क्या बताए साहेब। चलो बैठो उधर, चलो क्या हुआ तुम्हारा? साहेब हम बहुत परेशानी साहेब, हमको अपने कानून ले साहेब। अरे तो क्या हो गया? हम जेल ना जाते साहेब। कालू राम। हाँ साहब। अरे देखो कौन है, कहाँ से आ गया है, देखो कौन है जी? साहेब हम लाड़ा के रहे वाला है साहेब, बाकी साहेब बाकी बाकी का बाकी साहेब हमें नई नई छानी भाई ला, लेकिन बतावे में साहेब। बताओगे क्या हुआ है साहेब? डल रहा साहेब कहीं। देखो कालू राम क्या कर रहा है। का साहब हाथ पैर तोड़ दे क्या इसका? नहीं साहेब, साहेब बताए डॉलर साहेब क्यों के बताई तो मौगी के पता चली तो भाग जाई, मौगी कमरा पता ना चले साहब, हमें बहुत डर लगा था साहब। अरे बताओ तो सही, का बताई साहब, कैसो कैसो वहाँ भी आ बैल हमके बचा ला साहब। ए बताओगे पग्गू राम, तभी न तुम्हारा प्रशासन हेल्प करेगा। बताओ थे साहब, चोरी लुक्का से कैसो कैसो हमार नई नई शादी बैल साहब, अगर हमारे मौगी के पता चली साहब तो छोक चल जाये साहब। कहाँ चली जाएगी साहब? नहीं बताना है तो क्यों फालतू बर्बाद कर रहे हो प्रशासन का समय? क्या बताए साहब, मौगी हमार हमको लाने नहीं देती है साहब। मतलब लहाने, खाना पीना नहीं देती क्या? नहीं साहब, लाने को नहीं देती है। अरे मतलब खाना पीना नहीं देती है? वो बात नहीं है साहब। ओ माजरा ये है, अभी से समझ में आया की बात क्या है, मौगी के साथ कोई गलत हरकत करता है क्या? बोल बता, आए गलत काम करते हो? नहीं साहब, कैसे कैसे ब्याह भेला साहब, कैसे कैसे मेट मजूर करके साहब, अपना मौगी के हम बड़ा खुश रखला साहब। कालू राम कौनो न कौनो दिक्कत है जरूर, इसको पहले लॉकअप में बंद करो, बंद कर दी, इसके बाद इसके मौगी के यहाँ पता करो क्या दिक्कत है। ठीक है साहब। ठीक है, अरे यहाँ पर तो हम खुद परेशान है, यहाँ तो बकरी चोर और यहाँ मेहरारू वाले, दो केस के लेके तो हम परेशान है, कहाँ से हम आए यहाँ। चलो अभी इसको निपटाते हैं तो आते हैं। साले दिन भर गाजा पियोगे, मौगी को सताओगे और थाने आकर हम लोगों को परेशान करोगे, चलो साले निकलो बाहर। का बे, कह रहा था कि हमारी मौगी हमें लहाने नहीं देती है, प्यार नहीं करने देती है। हाय कालू राम, उसको लेकर इधर आओ। अब बताओ पग्गू राम, बीबी की झूठी कसम खाते हो? हाय कहते हो कि बीबी प्यार नहीं करती? हाय गांजा दारू पीकर नशे में बीबी को सताते हो, कहते हो कि बीबी प्यार नहीं करती, तुमको 6 महीने की जेल होगी, समझ लेना। नहीं चाहो। क्या बे गंदा गंदा टोन बजाते हो? ए रखो।
तुम्हारे जैसे लोग ही समाज को गंदा कर रहे हैं। बेटा 6 महीने के लिए अंदर जाओगे तब अकल ठिकाने आएगी। साहब साहब, पग्गू राम की मौगी रसीली आई है। साहेब, ये हमार पति ना परमेश्वर हमें, हमरा कहला पे एक बार इनके माफ कर दी, दया करी साहेब। देखो पग्गू राम जी, औरत एक देवी का स्वरूप होती है, ठीक है, और तुम्हारी मौगी की सिफारत पर मैं तुम्हें जमानत पर छोड़ रहा हूँ। अगर रसीली ने दोबारा अगर शिकायत की, 6 महीने के लिए अंदर डालूंगा, अगर दोबारा ऐसी गलती की, ठीक है, तो फिर समझ लेना दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसी शिकायत हमको नहीं आनी चाहिए। हाँ साहब, ये नशा कितना लोग का घर बर्बाद कर दे। हाँ, बर्बाद तो कर दिया, मगर आइंदा से, आज से माफी मांगो अपने पत्नी से, कभी दोबारा ऐसी गलती मत करना और शिकायत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और जाओ, चलो जाओ, ठीक है, जाओ जाओ। बहुत बढ़िया साहब। जाओ कालू राम, थोड़ा वो वाली फाइल उठा लाओ तो। जी साहब, अभी लाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के बीच में समाज में नशे से मुक्त रहने के लिए बनाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद धन्यवाद।